हमदूस वनसली रसूल करीम अम्माबाद फ़ारोज़ बिल्ल हिमिनतीम बसमिल्लमीम इन्जीना आमनू व आमिलहति सैज आलहर उद्दा सदक अल्लाज़ीम व सदक़ रसूलबीलकरीम अल्लाह ताला की तोफ़ी से पिछली नशस्त में करम मौलाली करमल्लाजकरीम की शान सिद्दीकियत के ऊपर तफसीली गुफगू की थी और उसके ऊपर ही खसाय सलाम का पहला बाब जो था वो मुकम्मल हो चुका है अब इमाम नसई रहमतुल्लाह ला ने दूसरा बाब यहाँ पर क़ायम किया है ज़िक्र इबाद आती ही मौलाली करमल्वल करीम की इबादत का बयान और इसमें आप जो हदीस लेकर आए हैं ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी हुज़ैल से ही हदीस आती है वो बयान करते हैं कि मौला अलीसम ने फरमाया कि मैं नहीं जानता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि अक्रम सल्हस के सिवा किसी शख्स ने मुझसे पहले अल्लाह ताला की इबादत की हो मैंने इस उम्मत के हर फर्द से नौ साल पहले अल्लाह ताला की इबादत की है अब इस रवायत के अंदर जो नौ साल का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है खसाय अली के बाद नुस्खों के अंदर लफ्ज़ नौ साल है और जो सुन अल्कब्रा इमाम सई रहमत की जिसके अंदर ये खसाय से शामिल है उसमें लफ्ज़ सात साल इस्तेमाल हुआ है तो जो लफ्ज़ नौ साल है या तो ये रावियों की तरफ़ से ग़लती हुई है या फिर इसको लिखते हुए कातिब ने गलती की है क्योंकि सही तरीन हदीस के मुताबिक आपकी उम्र मुबारक सात साल ही बनती है और एक नुस्ख़े में इमाम न रहमत ने ख़ नौ की बजाय सात का लफ् इस्तेमाल किया है इमाम जहाबी रहमत जो इस हदीस के ऊपर जरा की है वो सिर्फ इसके मतन की बिना पर की है चलें इससे एक ये नुकता तो अख़ज़ हो जाता है कि अगरचे इस नाद में कोई प्रॉब्लम ना भी नज़र आती हो तो मतन में अगर मसला हो तो उसके ऊपर कलाम किया जा सकता है इन शाला इरादा है कि इसके ऊपर मैं मज़ीद किसी दिन तफसल से गुफ्तु करूँगा कि किस तरह से आईम कर ने संद सही होने के बावजूद अदादी के मतन के ऊपर गुफ्तु करके अदीस का इनकार किया है क्योंकि आज के ज़माने में हमारी बदकिसमती ये हो चुकी है कि लोग इतने मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं इल्मल हदीश शरीफ़ के अंदर भी कि वो सनद से ऊपर कुछ देखना पसंद ही नहीं करते <laughs> और इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर जो अपने तहफुजात का इज़हार किया है उसको इमाम सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ने अच्छे तरीके से डील कर लिया है उसको हम पहले बयान कर चुके हैं इमाम सिंधी रहमतुल्लाह अलैह की तहकी के मुताबिक इस कदर छोटी उम्र में मौला अली अलीलाम के मास्रेन में से किसी को भी ईमान की दौलत नसीब नहीं हुई तो इमाम अली सलाम के कौल का दर हकीकत ये माना है और इससे ये नुकता भी समझते चलें कि इमाम नसाई रहमत ने ये जो बाब क़ायम किया है जिक्र इबाद आती है कि मौलाम अली की इबादत का बयान इसमें इमाम नसाई रहमत ने इस चीज़ की तरफ इशारा कर दिया है कि आपको इबादत में वो फजीलत हासिल है जो इस उम्म में किसी और को हासिल नहीं है कि आप अल्लाह सुबहाना व ताली के आगे सजदा रेज़ होने में सब से सबकत ले गए और इसलिए उन्होंने फिर उसके अंदर जो हदीस बयान की है वो भी बाद के मुजाहदात वाली या शिद्दत इबादत वाली कोई बात बयान नहीं की बल्कि ये बात बयान की है कि सबसे पहले इस उम्मत के अंदर मर्दों में इबादत करने वाले मौला मोलाली और माह वजुल करीम हैं जिन्होंने अपने सर को अल्लाह सुबहाना तै की बारगाह में झुका दिया इस बाब में इमाम माम रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ़ एक ही हदीस पाक बयान की है अब अगले बाब की तरफ़ चलते हैं इमाम नसई रहमत बहुत ही ज़्यादा वजद अंगेज़ किस्म का बाब कायम किया है और इससे इमाम नसई रहमत लिये की अकीदत और उनका क़ीदा भी ज़रा देखिए क्या था बाब का नाम सुनिए क्या अजीब है सुबहानल्ला इमाम न सई फरमाते ज़िक्र अली बिन अबी तालब करम्लाजुल करीम मिन अल्लाह मिनल्लाज़ वजल के अल्लाह ताली के यहाँ सैदनाली बिन अबी तालब रज़ी अल्लाह ताल हो वर्मल्ला वजुल करीम का मरतबा और उनका मकाम यानी यह बात नहीं कर रहे कि अली के नज़दीक अल्लाह की अल्लाह का क्या मकाम था अल्लाह की क्या मोहब्बत थी वो बातें सारी बात में होंगी वो पहले बात को यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि अल्लाह ने क्या मोहब्बत दिखाई है अली करम अल्लाह वज़़ल करीम के लिए और अल्लाह के यहाँ क्या मक़ाम है अल्लाह करमल्लाजूल करीम का अब इस बाब के अंदर जो अहादीस आएंगी उनको तो हम बाद में तफसील से डिस्कस करेंगे क्योंकि हर हदीस के अंदर से निकात बयान करने होते हैं आज की नशस्त में सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बाब के ऊपर मैं चंद कुरान की आयात को और अददीस को जमा करूँगा सिर्फ़ ये एंगल डिस्कस करेंगे कि अल्लाह अजा वजल किस तरह मोला अलीसम से मुहबत करता है इस बाब में हज़रत अब्दुल्लह बिन अब्बास रजी अल्लाह तुका एक कौल है वह कुरान को हम सबसे ज़्यादा जानने वाले हैं उससे इस बात को शुरू करते हैं आपने फरमाया इसको इमाम इमामबिन असाकर ने अपनी तारीख़ में बयान किया और हाफिस सूदिन ने भी फिर इसको जिक्र किया कि अल्लाह सुबहान व ताली ने कुरान मजीद में मौलाम की शान में तीन सौ के करीब आयात नाजिल की हैं इतनी बड़ी शान है आपकी तीन सौ के करीब आयात नाजिल की हैं इसकी सनत के ऊपर बाज़ लोगों ने कलाम किया है लेकिन याद रखिए कि ये रवायत कुरान की तफसीर से मुतलक है और इसके जो रावी हैं ये हदीस के बाब में मजरूह हैं यानी हदीस के बाब में उन पर जरा की गई है लेकिन ये वो रावी हैं जिनकी तफसीर को कबूल किया जाता है तो इसलिए इस बाब में उनकी रवायत को कबूल कर लेने में कोई हर्ज नहीं है आयमा कराम ने इस बात को कबूल किया है अब अगर जहन में कि यह पैदा हो कि यार ये किस तरह की बात है वो कौन सी तीन सौ आयात हैं तो इसका इजाला जो है इस कौल से हो जाता है इसको इमाम तबरानी ने इबनबी हातम ने हज़रत इब्दुल्ल बब्बा रज़ी अल्लाम से ही रवायत किया है आपने फ़रमाया कि अल्लाह सुबहाना व तै ने जब भी कुरान मजदीद में ये, ये आयत पाक नाजिल की है कि या यूहजी आ मनु ए ईमान वालों जब भी ईमान वालों को मुखातब किया है आप फरमाते हैं कि उनके अमीर और उनमें सबसे बड़े उनके सरदार उसमें मोला अली करमल्ला वजल करीम होते हैं सबसे पहले उनको मुखातब किया जाता है और फिर आगे आप फरमाते हैं कि अल्लाह सुबह व ने कुरान हकीम में बाज मकाम के ऊपर नबी करीम सल्लाम के बाकी सहाब कराम की पकड़ फरमाई है लेकिन मोलाी करो मल्लाजुल करीम का जब भी जिक्र किया है हमेशा खैर के साथ किया है हमेशा मोहब्बत में मोलाली कर मल्लाजुल करीम का जिक्र किया है यानी अल्लाह व अल्ला भी अली का नाम मोहब्बत से लेता है तो अब यह तो मुमकिन नहीं है कि उन आयात को हम टोटेलिटी में डिस्कस कर कर सकें जिसके अंदर मौला अली सलाम की कोई शान बयान की गई है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हाँ मगर उनमें से मैं चंद आयात का इंतबाब करता हूँ ताकि इमाम नसाई रम्हि का ये जो कौल है इसकी कुरान से भी और फिर हदीस से भी तफसर हो जाए कि अल्लाह की अली से मोहब्बत सबसे पहले सतुलज़ाब की आयत पाक है बड़ी मशहूर आयत है अल्लाह पाक ने फ़रमाया उबीलामिनशौन इन नमा युरीबा कुलबैती व तहरा कुम ततहरा कि बस अल्लाह तो यही चाहता है कि ए रसोल सल वसलम के अहल बैत तुम से हर किस्म के गुनाह का मैल और शक व नक्स की गर्द तक दूर कर दे और तुम्हें कामिल तहारत से नवाज कर बिल्कुल पाक साफ कर दे यानी अल्लाह सुबहानो वाली की मोहब्बत का अंदाज़ देखें वो क्या है कि बाकी दुनिया तो अपने आप को पाक साफ करने के लिए मुजाहत में मशगूल है दिन रात जिक्र करती रहती है नमाज़ें पढ़ती है और अल्लाह को चाहती है लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल उल्ट है यहाँ पर अल्लाह चाहता है कि अहल बैत वो आपको पाक कर दे और हर किस्म की ज़ाहरी और बातनी निजासत से रिज से हर चीज़ से धो दे और जब यह आयत मुबारक नाजिल हुई तो आका करीम सल वसम ने मौला अलीसम को सधा फ़ातिमा सलाम उ को और इमाम हसन और इमाम हुसैन आसमाम को अपनी काली कमली में छुपा लिया और आपने फ़रमाया कि एल्ला ये मेरे अहल बैत हैं ए मेरे अहल बैत हैं तो आप सल अल वसलम ने इस आयत पाक की खुद तखसीस फरमा दी कि इससे मुराद ये पांच हस्तियां हैं इस आयत मुबारक से मुराद ये पांच हस्तियां हैं है। आपने खुद तकसीस फरमा दी इसके अंदर अगर ये शान अहल बैतून के अलावा किसी और की भी है तो वो भी हमें दिखाएं कि वो कौन है इस दुनिया के अंदर जो इस मकाम और इस मरतबे के ऊपर है कि जिसके बारे में अल्ला सुबह व ताली ने यह अदा कर लिया और कुरान की आयत नासिल कर दी कि वो हर किस्म का रिज़, हर किस्म की महल कुचैल ज़ाहरी बातनी हाथ से दूर कर देना चाहता है अब दूसरी आयत मुबारक ये शुरय शुरा की आयत है अल्लाहान वाली ने उसमें आ करीम सल्ह वसम को फ़रमाया उमश वन खुल्ला असअलकुम अजरन अलमवद तफ़िलकुरबा के ए नबी करीम सल वसलम आप इनसे कह दें कि मैं अपनी तबलीग दीन के बदले में तुमसे कोई अजर नहीं मांगता हाँ मगर ये कि तुम मेरे अहल खराबत से मेरी अहल बैत से मोहब्बत करो यानी इसमें अल्लाह व तआला की मोहब्बत का एक अजीब इजहार मिलता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से अल्लाह व तआला ने अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत मांगी है अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत मांगी है अरे अल्लाह सुबहाना व तआला को तो इस कदर मोहब्बत है कि आका करीम वसल्लम की तबलीग के सिले में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कह रहे हैं कि आप अपनी उम्मत से ये कहें कि वो आपकी अहल बैत के साथ मोहब्बत करें और फिर हम कौन होते हैं उनका नाम ना लेने वाले वो कौन है वो लोग जिनको अहल बैतिन का ज़िक्र बुरा लगता है जब वो सुनते हैं तो वो साथ ही कानों में उंगलियाँ डाल देते हैं शिया शिया के नारे लगाना शुरू कर देते हैं राफजियत के जो है ना वो रट लगा देते हैं अरे अल्लाह को इतनी मोहब्बत है तुम्हारा किस अल्लाह के ऊपर ईमान है तुम बताओ जरा तुम जिस खुदा पर ईमान रखते हो जिसकी इबादत करते हो जिसका कलमा पढ़ते हो दिन रात जिसके आगे सजदे करते हो जिसकी मोहब्बत को चाहते हो वो अल्लाह तो वो है जो तुमसे अहल बेहतर की मोहब्बत मांग रहा है और तुम उनको पसे पुष्ट डाल के अल्लाह की तरफ जाना चाहते हो यार किसके साथ धोखा करते हो तुम फिर अब तीसरी आयत मुबारक की तरफ चलते हैं ये सुर मरियम आयत नंबर नाइन्टी सिक्स है अल्लाह पाक़ फ़ फ फ़ फ़रमते हज़बिनशानजीम लज़ीन आमनु व आमिल्ल हाती सैद आलरम व्दा बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे तो खुदा रहमान उनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा फ़रमा देगा अब इससे मुराद कौन है आईमाय कराम अगर आप तफ़सर को चेक करें इस सहाय मुबारक से मतलब उन्होंने लिखा है इमाम इबन मरदवी और दिलमी के हवाले से इमाम सूतीी ने इसको नकल किया हैज़रित बरार रजी अल्ला से रवायत है नबी अकरम सल वसम ने मौलिक करमल वालकरीम को फरमाया कि तुम ये कहो उनको एक दुआ सिखाई उसमें दुआ में ये अल्फाज थे कि ए अल्लाह तो मेरी ख़ास मोहब्बत मोमिन के दिलों में डाल दे ये उसके अलफा थे तो इसके ऊपर अल्लाह सुबहान व ने यह आतपाक नाजिल की कि इन अमान वामिहात सयाजा रन के जो ईमान लाए और नेकमल करते रहेनाना ताली उनकी मोहब्बत दिलों में डाल देगा उनकी मोहब्बत डाल देगा और इमाम तबरानी रम्म ने अपनी मौजमल कबीर में भी और मौजम ओसत में भी इसको हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्ला से इसको रवायत किया है कि ये जो आयते मुबारक है फरमाते ये हज़रत अली क़रीम के हक़ में नाजिल हुई आगे फरमाते हैं यानी मोमिन के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल दी गई और ये बिल्कुल बात हाक है इसलिए आका करीम अलैहि वसल्लम ने मुलाली करमुल करीम से ये अहद लिया ये वादा किया तामत ता तुमसे सिर्फ़ मोमिन ही मोहब्बत करेगा और तुमसे सिर्फ मुनाफिक ही बोग्ज रखेगा <laughs> तो ये इस आयत मुबारक के बिल्कुल मुआफ़ है तो इससे पता ये चला कि जो मूलाली आलाम की जो मोहब्बत है ये दर हकीकत अल्लाह सुबहान व ताल की तरफ से नेमत है वो जिसे चाहे वो अता करता है और अगर किसी को नहीं मिली उसको अपने ईमान के ऊपर ज़रा गौरव फ़िक्र करना चाहिए कि वो कहाँ पर चल रहा है इस वक्त दिल में मोहब्बत उतरने से मुतल आका करीम सल्ला वसलम की कई अदी हैं मिसाल के तौर पर एक हदीस है इसको इमाम बुखारी ने और इमाम मुस्लिम ने रवायत किया हजरत है बुरा रज़ी अल्लाह अल्ला से यह, यह हदीस आती है कि नबी अक्रम सल्ह वसम ने फरमाया अल्लाह व तै जब किसी शख्स से मोहब्बत करते हैं तो सबसे पहले जबरिया को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं फ़लां शख्स से मोहब्बत करता हूँ फिर उसके बाद आसमान वालों के अंदर यह ऐलान करवा दिया जाता है कि भाई अल्लाह ताला इस शख्स से मोहब्बत करता है तुम भी मोहब्बत करो फिर आस

हुम हुम कि जो लोग अल्ला की राह में शब रोज़ अपने माल पशीदा और ज़ाहिर खर्च करते हैं तो उनके लिए उनके रब के पास उनका अजर है और रोज़ क़्यामत उन पर कोई नौफ़ होगा और ना वो रंजीदा होंगे इस आयत से मुतल भी इसको अब्दुलरजाक ने भी रवायत किया है अपनी तफसर के अंदर इमाम तबरानी ने भी मौजुअल कबीर में और दीगर आयन ने भी इसकी तखरीज की कि ये अब्दुल्ला बिन अल्लाह तआला ने फरमाया कि ये मोलिकी करमल्लाजुल करीम की शान में नासिल हुई थी आपके पास एक दिन चार दिरहम थे एक दिरहम आपने रात के टाइम पर खर्च किया अल्लाह की राह में एक आपने सुबह के टाइम पर दिया एक आप एक दिरहम आपने छुप कर और एक एलानिया तौर पर दिया अल्लाह सुबहान व को ये अदा इतनी पसंद आई कि उसके ऊपर एक पूरी आयत मुबारक ननाजिल करती इससे अल्लाह सुबहान व ताल की मोहब्बत का अंदाज़ा लगाएं कि वो कितना अहल बेतरिम्सलम से मोहब्बत करता है इसी तरह का जो इंसिडेंट है ये सुरह दहर के अंदर भी है कि उनके साथ एक वाक़ा पेश आया उन्होंने यकतीम को मस्किन को खाना दे दिया अल्लाह सुबहान व तै ने वो अल्फाज तक उनके वहाँ बयान फरमा दिए कि क्या अल्फ़ाज उन्होंने इस्तेमाल फरमाए थे यानी ऐसी मोहब्बत अल्लाह सुबहान व ताल हम लोग दिन रात सदका करते रहें सौ लोग हज़ार लोग सदका करते रहें दिन रात उसके ऊपर कोई आज नाजिल नहीं होती किसी के बारे में भी मौला अली सलाम मोलाम सुल्हान की खास मोहब्बत है कि आपने एक अमल किया अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह सुबहान ने उसके ऊपर अपना कलाम नाजिल फरमा दिया और बाद वालों के लिए करम मोलाली करमुल करीम को इस बाब में भी इमाम बना दिया अब अगली आयत मुबारक की तरफ चलते हैं व फरमाते हैं सुबह फरमातेमन का ना फासिका ला यून कि भला वो शख्स जो साहिब ईमान हो उसकी मिसल हो सकता है कि जो नाफरमान हो यानी फासिक हो नहीं ये दोनों बराबर नहीं हो सकते सो सजदा आयतम अठारह है अब इसके मुतक़ सुनिए हर मुफसर ने इस वाक़ को यहाँ पर दर्ज किया है वो चाहे वो तबरी हों या वो इबन बी हातम हो हाफि सयूती इमाम इबन सा वगैरह के हवाले से और इमाम ख़तीब बगदादी के हवाले इसको बयान किया गया है ये मुख्तिफ सनों से रवायत आती है रवायत आती है और रवायत यह है कि वलीद बिन अकबा और मोलाई करमज़ुलकरम के दरमियान एक गुफ्तू हुई और वलीद बिन अकबा ने कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल किए उसने कहा कि मुख्त अल्फाज आते हैं बाद में यह लफ्ज़ आता है कि उसने कहा कि मैं तुमसे ज़्यादा फंसी हूँ हज़रत अली को कहा मैं तुमसे ज़्यादा जंगजू जू हूँ और लश्कर को भगाने वाला हूँ इस तरह की उसने कुछ बातें की बातें की हज़रत अली के आगे तो मौला अली करो मजुल करीम ने उससे कहा खामोश हो जा तू फासिक है <laughs> आपने फरमाया खामोश हो जा तू फासिक है यानी कि तू ये बातें करता है तू तो मेरा मुकाबला कर ही नहीं सकता तू होता कौन है मेरे सामने ये बात करने वाला आपने ये बात फरमाई अल्लाह सुबहान व तआला ने यह आयत पाक नाजिल कर दी मन काना, का काना कमन काना फासिका ला यास्तावून फ़ौर अली की सपोर्ट में कुरान नाजिल हो गया वहाँ पर कि क्या वो शख्स जो साहब ईमान हो उसके बराबर भला हो सकता है कि जो फ़ासिक हो अल्लाह फरमाते हैं ला यास्तावून इसकी शिद्दत देखें ज़रा इस इस कलमे की कि नहीं यह हरगिज़ ये दोनों बराबर नहीं हो सकते ला यास्तावन अब एक और आयत मुबारक को यहाँ पर शामिल करते हैं अल्लाह नम तसम ए नंबर फ़िफ्टी फ़ाइव में फ़रमाते हैं अवज़बल् नईम इमा वली रसूल वज़ी मनज़ीन यकीम कि तुम्हारे मददगार सिर्फ़ अल्लाह और उसका रसूल पाक हैं और ईमान वाले हैं जो सही सही नमाज़ अदा करते हैं और ज़क़़़़़त दिया करते हैं और हर हाल में बारगाह इलाही में झुकने वाले हैं अब इसके अंदर ज़रा ये तसवु भी ज़रा वाजे कर लें इन्ना कि इन नाम नामा वली युकुमुमुल्ला रसूलू कि अल्लाह सुबह व तारा ने ये नहीं कहा कि सिर्फ मैं ही मदद करने वाला हूँ बल्कि उसकी तौफ़ी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदद करने वाले हैं और ईमान वाले भी मदद करने वाले हैं आयम कराम ने इसके ऊपर जब इसकी तश की है कि ईमान वालों से मुराद क्या है वो कहते हैं इससे मुराद मोलाली करमल्लाजुल करीम की सात है और लफ्ज़ इस्तेमाल किया वली युकुम व तुम्हारे वली हैं इसलिए आख़ा करीम सल्ला वसम ने फरमाया मन कन तुम मौला हो फली कि मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान इस आयत मुबारक के बिल्कुल मुाफिक है गोया यह अल्लाना व ताला का ही कलाम है क्योंकि व मातिकवाम हा नबी करीम सलील वसलम अपनी मर्जी से कोई कलाम नहीं फ़रमाते बल्कि वह जो भी कहते हैं वह सरा सर सुबहाना तै की तरफ से वही होता है इसको इमाम ख़तीब बगदादी ने रवायत किया है जैसे कि इमाम सूती रहमत ने कई अहाँस की तखरीज की है अपने दुरे मंसूर के अंदर इसके साथ कि हज़रत हज़रतब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताल से यह रिवायत आती है कि हज़रत अली शेर ख़ुदा ख़ुदाकमल्लाजुल करीम ने अपनी अंगूठी सदक़ा की जबकि आप रुकू की हालत में थे आप उस वक्त रुकू की हालत में थे और आपने सदका कर दी नबी अक्रम सला वसम से ने शायल से पूछा तुझे तो अंगूठी किसने दी है तो उसने अर्ज़ किया कि इसको रुकू करने वाले ने की दी है जो रुकू कर रहा है उसने दी है तो अल्लाह व अल्ला ने इस अमल के ऊपर भी एक आयत नाजिल फरमा दी मूली आम के और इमाम तब्रान ने इसको माजमल औसत में बयान किया है हैरत मार बिन यासर रजी अल्लाह ते रवायत आती है कि करम अल्लाह भजुुल करीम के पास एक साइल आकर खड़ा हो गया जबकि आप नफली नमाज एक पढ़ रहे थे तो हज़रतली करमल्हजुलकरी ने अंगूठी उतारी और साइल को दे दी वो नबी अक्रम सल वसलम की बारगाह में हाज़िर हुआ उसने वाक़ बयान किया तो फिर नबी अक्रम सल्ल वसम पर आयत नाजिल हुई उसमें फिर आगे फ़रमाते हैं कि रसोल्ला सल्ह वसल ने जब ये आयत मुबारक अपने सहाबा पर पढ़ी यह आयत मुबारक पढ़ी तो आपने कहा कि जिसका मैं दोस्त हूँ अली उसका दोस्त है ए का दोस्त बन जो हज़रतली का दोस्त बने और जो अली से दुश्मनी रखे तो उसे अपना दुश्मन रख अल्लाह करे ये हदीस पाक लोगों को समझ आ जाए यह हदीस तो मुतवािर है मुख्त आसानियों के साथ ये रवायत हुई है अल्लाह करे लोगों को यह बात समझ आ जाए लोग सुन तो लेते हैं कहते तो हैं कि मानते हैं लेकिन जब अमल करने की बारी आती है ना तो तब फिर तवीलों के पीछे भागते हैं तब नहीं कोई देखता इस रवायत को अब इसके साथ एक और हदीस को जोड़ते हैं इसको इमाम तबरानी ने और इमाम अबू नयम ने रवायत किया है इमाम तबरानी ने मौजुमल कबीर और इसकी इमाम सैती ने तखरीज की है जैसे कि दुर मंसूर के अंदर हज़रत अबू राफ़िर रजी अल्लाह तआला से हदीस आती है तवील हदीस है उसके आख़िर में आता है कि आका करीम सल्ला वसल्लम बेदार हो गए और आप सल्व वसल्लम ने ये आयत मुबारक का तिलावत फरमाई नींद से बेदार हुए फिर आपने ये आयत मुबारक का तलावत फरमाई और फिर आपने फरमाया कि तमाम तर, तर तरीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हज़रतली के लिए नमतों को मुकम्मल किया और हज़रतली के लिए फ़जल तैयार किया तो ये कुरान हकीम से चंद एक मकाम आपके सामने मैंने बयान किए हैं कि किस तरह अल्ला ने मोली आलम से अपनी महब्बत का इज़हार किया है अब जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है कौन सी चीज़ माने हैं उस शख्स को कि जो ला अला तो ज़ुबान से कहे लेकिन जब अली का नाम आए तो वो गड़बड़ कर ले अपने आप को तो शायर ने क्या खूब कहा है कि बग़ैर हब्ब अली मुद्दा नहीं मिलता इबादतों का भी हर गज़ सिला नहीं मिलता खुदा के बंदो सुनो ग़ौर से खुदा की कसम जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता तो आज की नशस् में भी हमदिल्ल तिरफ़ कुरान की तफसिर के हवाले से इमाम नसई रहमत के इस कौल की तशरी की है आपने ये जो बाप बांधा है कि अल्लाह की मोली करम्लाजुल करीम से मोहब्बत अब अगली नशस्त में हम उन अहदीस को बयान करेंगे जिसके अंदर अल्लाह व अल्ला ने मौली करम्लाजुल करीम से अपनी मोहब्बत का इजहार फ़रमाया है ममा अली नई अलबलामबीन असलिकम रही तबरक